बहुत बुरा होने वाला है। मारे विक्रमजीत को तो गुंजा की शाप ने मारा है। मिस नलिनी, आपने ये विवाह प्रेम की भावना से नहीं बल्कि प्रतिशोध लेने की भावना से किया था। आप यहाँ आई थी विक्रमजीत सिंह की हत्या करने। गुंजा का घोड़ा, उसका घोड़ा कहाँ देखा था आपने उस घोड़े को? यहाँ। लेकिन अजय, यहाँ तो घोड़े के होने का कोई चिन्ह नहीं, कोई निशानी नहीं। अपने बेटे की लाश को देखा है हमने, और एक माँ होके इतना ही कह सकते हूँ कि उसकी मौत कोई आम मौत नहीं थी। थारे को मारे बेटे के हत्यारे को ढूंढना ही होगा, फिर चाहे वो इस दुनिया का हो या किसी और दुनिया का। हुकुम, जे मिला है। लगता है हमसे पहले कोई और यहाँ आया था। राजमाता ने हमें इस हवेली में रोक तो लिया, पर तांत्रिक के घोड़े की स्टोरी सर, इस हवेली में घोड़ा कहाँ से आ सकता है? चल। आप इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? आज अमावस है, काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर हैं। फिर तो हम अवश्य उनसे मिलना चाहेंगे। और फिर ठकुराहिन ने इसी कक्ष में तांत्रिक हुंजा के घोड़े को देखा था। किसी न किसी को तो घोड़े की लगाम थमनी है। आत्मा की ना कोई नाल होती है, ना कोई लगाम। अभी भी समय है, वापस अपने शहर चले जाओ। पूरा आत्मा की तरह डायलॉग बोलता है। क्या हुआ? शायद बाहर से किसी ने हमें बंद कर दिया। शायद चाहते होंगे कि हम केस सुलझाकर ही बाहर निकले। यहाँ आ जा, पूंजा के घोड़े को ढूंढते। कौन सा घोड़ा सर? ना पैरों के निशान है ना कुछ और। वैसे इस तस्वीर को देखिए, पूंजा क्या लुक दे रहे। लगता है जैसे तस्वीर से बाहर निकलकर हम दोनों को भस्म कर देगा। तो देख मत ना उसकी तरफ। इस कमरे की खिड़कियां अंदर से पूरी तरह बंद है, यानी कि अगर ये दरवाजा बंद हो तो इस कमरे में आने का और कोई तरीका नहीं। वो डिब्बा देख रहे हैं? बाहर से 30 साल की धूल जमी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ। इसका अर्थ यह हुआ कि इसे हाल ही में खोला गया था। सर शायद नलिनी ने खोला होगा। नलिनी क्यों खोलेगी? इतने छोटे डिब्बे में क्या आपने नाना जी के जायदाद के कागजात ढूंढ रही थी या कुछ और ढूंढ रही थी? उसी से पूछना पड़ेगा। चलिए यहां से निकलते। ये दरवाजा, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था बाहर से इसके जरिए। वो तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो। आपने वास्तव में इस कक्ष में वो घोड़ा देखा था? वो बहू रानी, वैसे आपने यहाँ रुककर बहुत अच्छा किया। इस हवेली में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है मैं उस कमरे में
नाना जी की जमीन के पेपर्स लेने गई थी। सर मुझे तो ये तक नहीं पता है कि वो पेपर्स उस कमरे में थे। हाँ उसी कमरे में थी, तांत्रिक हुंजा के तस्वीर के पीछे। और वो तस्वीर हिलाई भी गई थी। पर मैंने उस तस्वीर को हाथ तक नहीं लगाया। जानता हूँ आप चाहती तो भी उसे हिला नहीं पाती। उस तस्वीर के पीछे से कागजात निकालने के लिए मुझे वरुण की सहायता लेनी पड़ी थी। उस कमरे में एक जेवरों का डिब्बा था, उसे छुआ था आपने? नहीं तो कौन है जो वहां कुछ ढूंढ रहा था? कहां जा सकती है वो? कहां? ढूंढो उसे, ढूंढो। सुनिए पंडित जी, हम नहीं चाहते कि अब ये मनुष्य कमरा अब और खुला रहे। इस पर फिर से ताला लग जाना चाहिए। दादी साहब, पुलिस ने मना किया इस कमरे को बंद करने से। तो फिर उस हुंजा तांत्री की अंदर रखी हुई सारी सामग्री को जला के भस्म कर दो। हम नहीं चाहते कि उसका साया भी पड़े हमारी हवेली पर। जी राजमाता, हम आज ही हुंजा की सारी सामग्री इस कक्ष से बाहर फेंक देते हैं। चलिए। घोड़े के पैरों के निशान। हुंजा लौट आया है। बहुरानी ने उसका कमरा खोलकर उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। हमारे कुल पंडित को मारकर उसने ये साबित कर दिया है कि अब कोई भी शक्ति हमें नहीं बचा सकती, सबकी मौत होगी। ये मिट्टी मैंने कहीं देखी है। ऐसी मिट्टी तो पंडित जी की लाश के पास मिली थी, और ये समाधि का जो पत्थर है ये हिला हुआ है। कोई इस समाधि को क्यों खोलना चाहेगा? कोई नहीं, स्वयं हुंजा। ये आप क्या कह रहे वीरमान जी? एक मरा हुआ इंसान अपनी समाधि से कैसे बाहर निकल सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। वहां देखिए वो निशान। किसी ने समाधि के पत्थर को लोहे के सलिए से खोलने की कोशिश की। मुंजा के समाधि की मिट्टी है। इसका अर्थ यह हुआ वरुण की कोई है जो कुछ ढूंढ रहा है, और जब वो वस्तु उसे हुंजा के कमरे में नहीं मिली तब उसने हुंजा की समाधि को तोड़कर वहां ढूंढा। लेकिन नलिनी को तो इस बात का कोई ज्ञान नहीं। कौन हो सकता है? के बात से बेटा, हारे को अभी भी लगता है कि ये किसी इंसान का रचा हुआ षड्यंत्र है। राजमाता जी, ये जो हुंजा तांत्रिक था उसके बारे में अब हमें कुछ बता सकती है? नहीं
बस यही कि वो हुजा नाहरगढ़ इलाके से हमारे यहाँ आए थे। क्या आज भी नाहरगढ़ में उनका कोई रिश्तेदार कोई परिजन है? नहीं बेटा, लेकिन यहाँ से 150 किलोमीटर दूर देवगांव में उसकी भांजी दुर्गा रहती है। सुना से कि हुजा के परिवार का इकलौता जीवित सबूत वही बुढ़िया से। पर क्या खोज रहे हो तुम हुजा के बारे में? जी नहीं, मैं हुजा के बारे में नहीं खोज रहा, मैं उस व्यक्ति को खोज रहा हूँ जो हुजा के बारे में खोज रहा है। राजमाता, दुर्गा का पता है आपके पास? दुर्गा देवी हमारी नानी है सर, और हुजा हमारी नाना के मामा थे। अब हमारा उनसे कोई लेना देना ना है। देखो, मेहरगढ़ हवेली में हुई मौतों के बारे में तुमने पढ़ा ही होगा। लोगों का कहना है कि हुजा फिर से जिंदा होकर वापस आ गया। मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो गया सर, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, हमें माफ करो सर। राजमाता का कहना है कि सिर्फ तुम्हारी नानी हुजा के बारे में जानती है, उसके रहस्यों के बारे में जानती है। कोई है जो हुजा के कमरे में कुछ ढूंढ रहा है, उसकी समाधि तोड़कर उसकी लाश निकालने की कोशिश में। लाश? हुजा के पास कुछ अमूल्यवान कीमती चीज थी जो कोई आज उसे ढूंढ रहा है। उस छोरे को हमारे पास ले आ बेटा। आइए सर। यही है उपसाद की जड़ मेघमणि। मेघमणि ये वो जादुई पत्थर है जो बादलों में बनता है, आसमां में, जो केवल देवी देवताओं के पास होता है। पूजा मामा ने अपने तंत्र और सिद्धि से इसे प्राप्त किया था। कुछ खास शक्ति थी इस पत्थर में? शक्ति? पूजा मामा की सारी काली शक्तियों का एकमात्र केंद्र यही पत्थर था बेटा। जिसके पास ये पत्थर होता है वो सब कुछ कर सकता है। दुनिया की सारी शक्ति उसके पैरों में समा जाएगी। रंग को राजा बना देता है ये पत्थर। अम्मा, मुझसे पहले कोई और आया था यहाँ आपसे मेघमणि के बारे में पूछने के लिए? हवेली में से सेवक जरीबा। हाँ साहब, हम गए थे उस बुढ़िया दुर्गा से मिलने मेघमणि का पता करने के लिए। लेकिन हुकुम, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो सेवक हैं, हमें कहा गया था मेघमणि का पता करो, तो हम चले गए पता करने। किसने भेजा था आपको? जी, वीरमन सिंह जी। योर ऑनर, मैं वीरमन सिंह जी को कटघरे में बुलाना चाहूँ। एक मिनट, ये कोई मेघमणि के खोज की कहानी नहीं है, ये विक्रमजीत के कत्ल का केस है। कत्ल का? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, ये विक्रमजीत सिंह जी की हत्या का केस है, और मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रमजीत सिंह जी की हत्या इसी मणि को पाने के लिए की गई है। कोई इस बहुत ही अमूल्य पत्थर के द्वारा शक्तिशाली बनना चाहता था योर ऑनर, और यही कारण था कि जब हवेली के पंडित ओमकार नाथ जी को इस बारे में पता चला तो उनकी भी हत्या कर दी गई ताकि ये बात न फैले। ये सब एक पत्थर के लिए? एक मामूली पत्थर के लिए? वाह, वेरी गुड। और इसे आप साबित कैसे करेंगे? करूंगा मिस्टर झांझर, अगर आप करने देंगे तो। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, एडीसी वीरमन सिंह जी, मैंने ही जरीबा को उस हुंजा की भांजी दुर्गा देवी के पास भेजा था ये पता करने के लिए कि वो मेघमणि कहाँ है। क्यों, 90 वर्ष बाद अचानक उस मणि के बारे में आपकी जिज्ञासा क्यों जागी? उस पत्थर के बारे में तो हमारे बाप दादा हमें बताते थे। इतने सालों से हम इसी सोच में थे कि कब वो पत्थर, वो मणि हमारे हाथ लगेगी और हम एक नौकर से साहूकार बन जाएंगे। तो क्या पता लगाया आपने उस पत्थर के बारे में? वो पत्थर इसी हवेली में हुंजा के कमरे में था। ऐसी तो उस पत्थर को, उस मणि को पाने के लिए आपको वो कक्ष खोलना पड़ता, इसीलिए आपने जरीबा और इमरती द्वारा बेचारी नलिनी जी को फंसा दिया। अपनी बंदूक इनके कंधे पर रखकर चलाई, इनसे वो कमरा खुलवाया ताकि अंदर दाखिल होकर आप वो मणि ढूंढ सके। साहब, वीरमन सिंह जी ने हमसे कहा था कि छोटी बहू को उस कमरे के बारे में और हुंजा के किस्से सुनाते रहना,
उसे हमेशा उकसाते रहना उस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए। हमने वही किया जो हमसे कहा था। बोलिए बिरमन सिंह जी, अब तो जरीबा और इमरती ने भी कहा है कि आप ही ने उन दोनों को काम पर लगाया था। जी, बहुरानी के जरिए हम वो कमरा खुलवा कर मेघमणि तक पहुंचना चाहते थे। जी जी जी, और नलिनी जी ने वो कक्ष खोला, आप अंदर दाखिल हुए उस मणि को ढूंढने, किंतु दुर्भाग्यवश ठाकुर विक्रमजीत सिंह जी आ गए और उसके बाद नहीं, भवानी कसम, हम उस रात उस कमरे में गए ही नहीं, ना उस मणि की वजह से पर ना किसी और वजह से। वीरमन सिंह जी, वो मणि इस समय कहाँ है? वो मणि अब हमारे पास नहीं है और ना ही हवेली के उस कमरे में है। वीरमन सिंह जी, क्या यह संभव है कि वो मणि तांत्रिक हुंजा के गले में पड़ी हुई हो और उनके साथ उस मणि को भी गाड़ दिया गया हो उनकी समाधि में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि समाधि के साथ भी छेड़खानी की गई थी, वहाँ भी खोज की गई थी उस मणि की। यदि ऐसा है तो ये सवाल आप हमसे नहीं, छोटे हुकुम गौरव सिंह जी से कीजिए, क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी मेघमणि की तलाश रहती थी और समाधि के टीले में कई बार देखा है हमने उन्हें। हाँ, हम मानते हैं कि हम भी कई बरसों से हुंजा की उस मेघमणि की तलाश में हैं, लेकिन इसमें अपराध क्या है? कोई अपराध नहीं। अरे सौ बात की एक बात, अरे उस रात तो आप हवेली में थे ही नहीं, और जब आप वहां नहीं थे तो आप विक्रमजीत सिंह को कैसे मार सकते हैं? हाँ, कैसे मार सकते हैं, किंतु ये बात तो सच है कि आप तांत्रिक हुंजा की समाधि पर अक्सर जाते थे और आप ही ने उनकी समाधि को खुलवाया। जी हाँ, हमने उस समाधि को खुलवाया उस मणि की तलाश में, लेकिन हमें लगता है कि हमसे पहले ही उस मणि को वहां से किसी और ने चुरा लिया, और इसीलिए हमें उस तावीज का केवल आधा हिस्सा मिला, वो भी बिना पत्थर के। क्या लगता है आपको गौरव सिंह जी, किसने चुराया होगा वो पत्थर, वो मणि? पता नहीं, लेकिन वो जो भी है इस हवेली का ही एक सदस्य। आप उस तक पहुंचिए, हमारे भाई का कातिल आपको अपने आप मिल जाएगा। कातिल कोई और नहीं, ये लड़की है जिसने अपने नाना के जमीन के कागजात के लिए वो दरवाजा खोला। जाजर, उन कागजों के बारे में ना नलिनी जानती थी ना कोई और। मेरा आपसे ये है कि वो कक्ष तो 90 वर्षों से बंद था, तो 30 साल पुराने जो कागज थे वो उस कक्ष के अंदर लगे हुए उस चित्र के पीछे कैसे आ गए? पाठक जी, हो सकता है कि 30 साल पहले विक्रमजीत सिंह ने उन कागजात को वहां रखा हो सकता है। अब भले ही उस दरवाजे पर ताला लगा हो, वो कक्ष पूरी तरह से चारों तरफ से बंद हो, विक्रमजीत सिंह जी तो उस हवेली के मालिक थे, चाहे जो कर सकते थे, किंतु ऐसा है नहीं। मिस्टर जाजर, अगर ऐसा होता तो इन कागजों पर 30 साल पुरानी मिट्टी लगी होती, कहीं ना कहीं दीमक लग गई होती, फटे पुराने होते ये कागज, किंतु ऐसा है नहीं योर ऑनर। ये तो बिल्कुल नए हैं जैसे 30 साल पहले थे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया था और उसी रात इन कागजों को उस तस्वीर के पीछे रखा गया ताकि बेचारी नलिनी जी को फंसाया जा सके। और ऐसा किसने किया होगा? ऐसा करेगा वही व्यक्ति जो उसी रात उस कक्ष में दाखिल हुआ था, दो कारणों से। प्रथम, नलिनी जी को फंसाना, द्वितीय उस नागमणि को खोजना। लेकिन मिस्टर पाठक, उस कमरे में नलिनी जी के अलावा किसी ने किसी और को नहीं देखा। विचित्र बात है, ठकुराइन संदली जी का कहना है कि उन्होंने वहां तांत्रिक पूजा के घोड़े को देखा।
कर लो बात, अब घोड़ा कातिल हो गया हुकुम। अब यही तो श्राप था मिस्टर झांझर कि तांत्रिक हुंजा का घोड़ा ही बदला लेगा। क्यों संदली जी, देखा था ना। ठकुराइन कृपया कर अदालत को बताएं कि आपने उस कमरे में उस रात तांत्रिक हुंजा के घोड़े शमशेर को देखा था या नहीं? नहीं। आपने तो बताया, झूठ क्यों बोला था आपने सबसे? तो क्या करती मैं? संजय ने आपको केस छोड़कर जाने के लिए कह दिया था और आप हवेली छोड़कर जा भी रहे थे, और ऐसा होता तो मेरी बहू नलिनी को कोई नहीं बचा पाता। आपको रोकने के लिए ही मैंने झूठ बोला। अर्थात मुझे रोकने के लिए? हाँ, ताकि राजमाता को लगे ये वाकई जो घटनाएं हो रही है सब एक चमत्कारी घटनाएं हैं, और उनका नलिनी के ऊपर से शक थोड़ा कम हो जाए। और ऐसा हुआ भी, मेरे झूठ बोलने से उन्होंने आपको हवेली में रोक लिया। संजय बेटा, नलिनी ने तुम्हारे पिता का कत्ल नहीं किया, ये किसी और की चाल है। और हमें शक है वीरमान जी पर और हमारे देवर गौरव सिंह जी पर, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इन दोनों की मिली भगत ने मेघमणि के पत्थर को ढूंढने के लालच में इन्होंने हमारे पति को मार डाला। हम तो आपको अपने घर का वफादार समझते थे ना, और आपने हमारे ही घर में आग लगा दी, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये क्या हो रहा है जज साहब? हुकुम, ये लोग कहानी को कहां से कहां पहुंचा रहे? अरे बात तो ये थी कि नलिनी जी हत्यारिन है, कातिल है, और अब तो कहानी में मेघमणि, घोड़ा, पत्थर, देवर, एडीसी। मिस्टर पाठक, ये जो आपकी पत्थर वाली थ्योरी है ना, ये आप तभी साबित कर सकते हैं जब आप उस व्यक्ति को यहाँ लाएं जिसके पास वो पत्थर है, और वो यहाँ अदालत पे खड़ा होकर कह सके कि मेरे पास वो पत्थर है और मैंने इस पत्थर के लिए विक्रमजीत सिंह की हत्या की। क्या ऐसा कर सकते हैं आप? इतने सालों से हम सोच रहे थे कि इस घर में शैतान उस कमरे में कैद है, लेकिन नहीं, शैतान तो तुम लोगों के दिलों में मौजूद था। हमेशा से ही लालच, ईर्ष्या का वो दाना जिसने हमारी बेटी की जान ले ली। अभी भी समय है, कोर्ट कचहरी में तो बात सालों तक खींचती चली जाएगी। हमारे सामने अपने गुनाह को कबूल कर लो, बोलो किसने जान ली है विक्रमजीत की। राजमाता, हो सकता है घर वालों में से किसी का काम ना हो, किसी बाहर वाले का काम हो। नहीं संजय, ये काम घर के ही किसी भेदी का है। हमें बस तुम दोनों की चिंता है, और दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी केडी पाठक इस केस को सुलझा कर नलिनी को रिहा करा दे। तुम दोनों ने बेवजह ही उस बेचारी नलिनी के ऊपर शक किया। आप चिंता मत कीजिए मासा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम आके साथ रहे और मैं अभी आया। क्या कीमत लगाई आपने इस पत्थर की?
हाँ पर कीमत मैं इसकी पूरी ही लूंगा, 8 करोड़ से ना इधर ना उधर। इस मेघ मणि को लेकर सॉरी जी बात भी है, गाड़ी को अभी खराब होना था साला, देखता हूं। ये खुदा जी का फोन, इस पर से अंतिम कॉल किसी लालचंद नामक जोहरी को किया गया था, जिनका ये कहना है कि उदय जी उन्हें मेघमणि बेचना चाहते थे। मेघमणि उदय के पास है? जी नहीं राजमाता जी, मुझे लगता है थी इनके पास, क्योंकि ये खाली पोटली मिली है इनके पास से, शायद किसी ने चुरा ली। लाश के पास घोड़े का निशान भी, ये सब क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं सच में हुंजा की आत्मा ये अपना मेघमणि लेने तो वापस नहीं आ गई? यहाँ कोई आत्मा नहीं। हमें क्षमा कर दें राजमाता, इन सभी मौतों के जिम्मेदार हम ही हैं। विक्रमजीत से पुजारी ओंकार नाथ कुमार उदय सिंह की जान, उस मेघमणि ने ली। वो मेघमणि कहाँ है? मेघमणि कहाँ है? केडी साहब अभी जो भी कहेगा पुलिस थाने में जाकर कहेगा। चलो वीरमान सिंह। वीरमान सिंह जी, आपने अचानक अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसके पीछे कोई विशेष कारण? क्योंकि हमारा सोया हुआ जमीर एक बार फिर जाग उठा। राठौर परिवार के लिए हमारे बाप दादा हमारी पुष्टों ने जाने दी, सदियों से उनका नमक खाया, उनके वफादार रहे, लेकिन हमारे एक लालच की वजह से लाशों के ढेर लग गए। तो सचमुच आपने विक्रमजीत सिंह जी की हत्या की है? हम गुनहगार हैं और हमारी सजा मौत होनी चाहिए। अब आपकी सजा क्या होगी ये तो अदालत ही सुनाएगी आपको। पश्चाताप में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। ये बात है केडी बेटा, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? आप सबको एक विशेष बात बतानी थी। आपके एडीसी वीरमन सिंह जी ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि सारी हत्याएं उन्हीं ने की है, और गुप्त रीत से मुझे बताया है कि वो जानते हैं मेघमणि कहाँ है। दरअसल ये पत्थर पहले उदय सिंह जी के हाथ लग गया था, और बड़ी चतुराई से एडीसी वीरमन सिंह जी ने उसे वहां से चुराया, उसकी जगह में एक नकली पत्थर रख दिया। नकली पत्थर? तो इसका मतलब उदय जो पत्थर जौहरी को बेचने जा रहा था वो? जी वो नकली ही था। तो फिर असली पत्थर का है? बस यूं समझ लीजिए कि कल प्रातः काल उस पत्थर को न्यायाधीश महोदय के समक्ष रखूंगा, क्योंकि वही अंतिम साक्ष्य है एडीसी वीरमन के अपराधी होने का।
आप कहाँ जा रहे? चल तुझे असल मेघमणि दिखाता हूँ। केडी सब, आपको नहीं लगता हमें यहाँ पुलिस को साथ लेकर आना चाहिए था? हिंदी फिल्में देखता तो? ऑफ कोर्स सर। पुलिस खेल खत्म होने के बाद ही आती है। चल। जा है इस पत्थर की चमक से खींचा चला रहा है। उस घोड़े का जो जीन है, पीठ की गद्दी, सैडल, उस पर एक नाम गुदा हुआ है। वो नाम आपका है गौरव सिंह जी। क्या घोड़ा अभी आप ही का है? जी जी, वो हमारा ही घोड़ा है, बादल। असी तो आप अपने घोड़े बादल को शमशेर बनाकर वहां लाते थे, उस कमरे में वहां दौड़ाते थे? जी नहीं, बादल तो हर रात दूसरे घोड़ों के साथ अस्तबल में रहता है, हमारे रक्षक नत्थू की निगरानी में। तो नत्थू साहब, बादल आपकी निगरानी में रहता है, संभवतः आप ही थे जो कल रात बादल पर सवार होकर आए थे मुझ पर हमला करने? आप ही थे क्या हुंजा के रूप में? नहीं साहब। आप नहीं थे? श्योर जी, आप मेरे यकीन मानिए, हम नहीं थे। अच्छा, पर बादल तो आपकी निगरानी में रहता था, तो फिर उसे अस्तबल से कौन लेकर जाया करता था? वो हम नहीं थे, वो तो जरीबा था, विक्रमजीत सिंह का नौकर। वो हमारे सगे मामा का लड़का है। वो कहता था कि उसे घोड़ा चलाना सीखना है, बस कुछ पैसों के लिए मैं उन्हें घोड़ा देता था। तो जरीबा साहब, घोड़ सवारी सीख रहे हैं आप, वो भी रातों में? जी वो आपकी तलवार कहाँ चली गई? और वो काला चोगा, मिस्टर तांत्रिक हुंजा? माय बाप, ये क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कमाल कर रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या बात है, क्या हुआ? याद आया, ये वही कांधा है जिस पर आप कल रात उस घोड़े पर से गिरे थे। लाइए लाइए, दिखाइए। तुम पाठक साहब, केडीसी वीरमन ने वो जो बयान दिया, वो सारा जुर्म उसने जो कबूल किया, वो उनके मन में जो घटनाएं घट रही थी उसका पश्चाताप था। किंतु जब मैंने उनसे कहा कि उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, तो मेरी बात को वो समझे, मान गए वो मेरी बात। तो तांत्रिक पूंजा उर्फ जरीबा उर्फ काले चोगे में घुड़सवार, अभी स्पष्ट हो चुका है कि ठाकुर उदय सिंह राठौर की हत्या आप ही ने की। जी हाँ। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि पंडित ओमकारनाथ की हत्या आप ही ने की। और ठाकुर विक्रमजीत सिंह की हत्या भी आप ही ने की। नहीं भाई,
उनको हमने नहीं मारा, उनको तो रिमांड दिया। हाँ हाँ, इमरती जी ने उन्हें मारा, लेकिन ये षड्यंत्र का रचयिता केवल इमरती तो नहीं, आप दोनों की मिली भगत है, आप दोनों की मिली जुली रास लीला। मारे बाप, जब वीरमन सिंह जी ने हमें मणि के बारे में बताया तो हम दोनों के मन में लालच आ गया, लालच का पर्दा छा गया था हमारी आंखों पर। और उस रात जब छोटी बहू कमरा खोलने गई तो इमरती से रहा ना गया, वो बिना किसी को बताए चुपचाप कमरे में चली गई और मेघमणि ढूंढने लग गई। कौन है? ये क्या कर दिया तूने? मैंने ये ढंग को क्या कर दिया? मरवा दिया तूने, तो मरती क्या करती? ये बार कोई ना बचा सकता। मैं डर गई थी, कहीं हुकुम ने मैंने देख लिया तो, इसीलिए। अरे अब इसका क्या करें? अब क्या होगा? चलो चलो, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। सोच, सोचने दे। मारो मातो तो काम नहीं करे, क्या करें? एक तरीका है। बोल बोल। छोटी बहू के कमरे में मैंने एक चिट्ठी देखी थी, उसमें 400 एकड़ जमीन के बारे में लिखा था, और वो जमीन के कागज ठाकुर साहब के कमरे में। बस ये मने रास्ता मिल गया इमरती। वो कागज में ठाकुर के कमरे से निकाल के इस कमरे में कहीं रख देता हूँ, और छोटी बहू तो गई कम से। तो एक काम करो, खून लेके उसकी चप्पलों पे लगा डाल, और ध्यान रखिए मैं अभी गया और अभी आया। और इस तरह हमने नलिनी बहू को झूठा फंसा दिया। किंतु जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये सब किया आपने, वो मेघ, वो कहाँ है? नहीं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेघ बनी उस तांत्रिक की कब्र में ही दफन होगी, उसकी लाश के साथ। और रात में मैं उसकी कब्र पर पहुंच गया और उसको खोदा तो वो मेघमणि मुझे वहां मिल गई। फिर वो मणि उदय सिंह जी के पास कैसे पहुंच गई? मेघमणि मिलते ही मैं सीधा हवेली गया। हवेली आते में लगता है पत्थर कहीं गिर गया, और वो पत्थर हवेली में ही कहीं गिर गया और छोटे हुकुम को मिल गया। शायद उन्हें उसके कीमत की बारे में पता नहीं था। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और जब कुल पंडित ओंकारनाथ उस मेघमणि का रहस्य बताने वाले थे, उससे पहले ही तुमने उन्हें मार दिया, तब जाकर के उदय सिंह जी को उस पत्थर का मूल्य पता चला होगा। जी सर। और उस रात जब छोटे हुकुम उस मणि को बेचने जा रहे थे, हमने रास्ते में उनको मार डाला और वो पत्थर छीन लिया। पर वो तो नकली था। अरे नहीं नहीं जरीबा जी, वो तो असली पत्थर था। नकली पत्थर तो ये रहा मेरे पास, ये देखिए। द्वारा मैंने
आपकी आंखों में धूल झोंकने का, आपको रंगे हाथों पकड़ने का सफल प्रयास किया। मतलब मेरे पास जो पत्थर था वो असली था? जी। और मैं तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना सारा खेल बिगाड़ लिया। नहीं 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 नहीं, मेरी बातों में आकर नहीं, अपने ही लालच में आकर। अब ये जो लालच है जो आपने देखा, इसका भुगतान आपको और इमरती जी को एक साथ करना पड़ेगा। आपके बड़े बुजुर्गों ने सिखाया नहीं कि लालच करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है? द डिफेंस रेस्ट्स। ये अदालत ठाकुर विक्रमजीत सिंह राठौर, ठाकुर उदय सिंह राठौर और पुजारी ओंकार नाथ की हत्या के जुर्म में जरीबा और इमरती देवी को दोषी मानते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और नलिनी राठौर को बेगुनाह घोषित करते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, सौ बात की एक बात, कभी कभी एक बात में से सौ बातें निकल आती है। क्यों? फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।